आज हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के अंदर पुराना शहर साउथ जोन जंगम मेट एरिया फोकस करके जंगम मेट फलकनामा रेलवे स्टेशन उप्पुगुड़ा डबीरपुरा याकुतपुरा ये पूरा रेलवे ट्रैक में ज़्यादा लोग व्हाइटनर्स कुछ नौजवान आवर और फिरने बच्चे लोग वो पत्थर से मार रहे हैं रेलवे रेलवे ट्रेन जाने आने टाइम में दो दिन बाद बहुत बहुत इंजरीज हो गया ग्रीवस इंजरी हो गया और ये रेलवे ट्रैक पे कई बार रात में कुछ झगड़ा करना कुछ प्रॉपर्टी पॉकेट पिकेटिंग होना करना और बच्चियों को छेड़ना ऐसा बहुत बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं वो पी के कहाँ जा रहे हैं कहाँ से आ रहे कोई कंट्रोल नहीं है दो तीन बार रेलवे पुलिस टास्क फोर्स और लैंड ऑर्डर तीनों मिलकर दो चार मीटिंग्स करे अभी तक ये मीटिंग्स में फैसला कर दिया ये पूरा एरिया को सैनिटाइज करना क्योंकि यहाँ महबूब नगर रायलसीमा जाते दिस साइड कर्नाटका बेंगलुरु भी यहीं से जाते और इस साइड काचीगुड़ा मेन रोड है मेन ट्रैक है ये एरिया में प्रोटेक्शन सेफ्टी सिक्योरिटी होना है इसीलिए हम आज साउथ जोन लैंड ऑर्डर पुलिस टास्क फोर्स SRI.DCP चैतन्य कुमार और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स साउथ सेंट्रल रेलवे एंड GRP ये चार विंग्स कोऑर्डिनेशन में आज 8:30 से अभी तक अभी भी चल रहा है वो कार्डन सच्चे ऑपरेशन कर चुके हैं इसमें वो ट्रैक के आजू बाजू पूरा चेक कर दिया ये पूरा यही कॉलोनी से जंगमेट कॉलोनी उपुगुड़ा कॉलोनी में सारे लोग रिक्वेस्ट में हम कर दिया आज से कोई बुरा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए कोई पी के यहाँ गड़बड़ नहीं करना तो इसमें 95 मेंबर्स पकड़े गए इसमें 5 नॉन अवेलेबल वारंट्स कई दिनों से वो इधर उधर भाग रहा है वो फिंगरप्रिंट्स ये इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट करने में मालूम हुआ और दो काला जादू इसमें एक बहुत कंप्लेंट्स है नवीन ये आदमी पूरा काला जादू करके पूरा तावीद ज़्यादा पैसा ज़्यादा हेल्थ सॉरी मिर्ची फैक्ट्री सॉरी ये पूरा 95 मेंबर्स 5 वारंट्स 2 काला जादू और एक डायरेक्टली गैस फिलिंग टीम को पकड़े गए अभी ये 95 मेंबर्स में ज़्यादा लोग मेंशन वर्क्स करने के लिए शमशाबाद इधर उधर जा रहे पूरा इंक्वायरी करने के बाद अगर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो तो उनको छोड़ेंगे जो वारंट्स कोर्ट के सामने पेश करेंगे वो गैस फिलिंग डोमेस्टिक गैस कमर्शियल को कन्वर्ट कर रहे उनके ऊपर और ये गैस सिलेंडर कौन सब्सिडाइज्ड गैस सिलेंडर कौन सप्लाई कर रहे उनके ऊपर जाएंगे और ये काला जादू ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट एंड चीटिंग एक्ट के अंदर ये दोनों को अरेस्ट करेंगे इकरम को थोड़ा डिटेल इंक्वायरी करेंगे लेकिन नवीन को जो मटेरियल सीज कर दिया ये पूरा सभी इनोसेंट मासूम लोगों को गरीब लोगों को चीट करने के लिए तो यही कारण सच नेक्स्ट वीक में सुल्तानशाही में होगा सुल्तानशाही तो भी दो दिन गड़बड़ चल रहा है पुराना शहर में पिछले 3.5 ईयर से कोई ऑर्गेनाइज्ड मर्डर हुआ नहीं जो फैमिली के अंदर कोई कुछ बच्चों का कोई लव अफेयर्स का ये मर्डर्स स्ट्रे मर्डर्स हुआ तो
पब्लिक बहुत सपोर्ट कर दिया, पब्लिक चाह रहे हैं कई प्लेसेस में कार्डन सर्च ऑपरेशन करने के लिए, पब्लिक सेफ्टी उन लोगों को सिक्योरिटी के लिए हम इतना रात अर्ली मॉर्निंग्स कार्डन सर्च का ऑपरेशन कर रहे हैं, वो कंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट सुल्तान शाही और नेक्स्ट वीक पुराना पुल, बाद में 12 एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो जियो टैगिंग रूप से हम कर रहे हैं। ये कार्डन सर्च करने में नॉर्मल लोग का जो क्राइम का रिलेटेड कोई नई आदमी को हम चेक नहीं करें, क्योंकि हमको मालूम है जियो टैगिंग है, कोऑर्डिनेट से कौन कहाँ है। यहाँ रेलवे ट्रैक में जो आदमी सस्पिशियस में मिलता वो चेक करके ही फिंगर प्रिंटिंग लेके, अगर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं तो उनको छोड़ेंगे काउंसलिंग करके। इतना रात भी रहना भी अच्छा नहीं है। रेन बाजार डबीरपुरा में और माधना पेटा संतोष नगर में चबूतरा मिशन के लिए वो लोग कॉलोनी वाला बहुत पूछ रहे हैं हमको, और रात में कुछ आवारा फिर रहे तो वो भी हम मन में रख के वर्कआउट करके एशियल डीसीपी गौस मोइनुद्दीन वो वर्कआउट कर रहा है, तो ये कंटिन्यू होगा। ये पूरा मामला पुराना शहर का सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, लास्ट महीने एक मर्डर हुआ नहीं, अभी तक इतना बड़ा स्टैबिंग भी हुआ नहीं, लोग एजुकेशन डेवलपमेंट के टुवर्ड्स जा रहे हैं, पीसफुल अमन से रह रहे हैं। तो कुछ लोग पिक पॉकेटर्स भी हैं, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जनरल रेलवे पुलिस जीआरपी ये दोनों को कोऑर्डिनेशन करके ये पूरा एरिया को, कोई बैग मिसिंग वो बेगर्स का मामला और पॉकेट पिकेट पीपी पॉकेट पिकिंग पिक पॉकेटर्स उनको कंप्लीट कंट्रोल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। वो बहुदुरपुरा एरिया में असद वर्सेस मुत्तुजा दोनों गैंग पे असद लोग कुछ दो तीन गैंग्स बनाया है, सो पिक पॉकेटर्स गैंग अभी तक 6 आदमी को पीडी एक्ट में डाल दिया, अभी छोटा मोटा दो तीन साल से 6 पिक पॉकेटर्स को भी पीडी एक्ट में डाल दिया। तो अभी वो यूपीटी केस में हम देख रहे हैं, ये दो टीम्स एडिशनल डीसी एडिशनल सीआई जिलानी और एडिशनल सीआई डबीरपुरा ये दोनों जानिब से हर एक दिन रेलवे पुलिस के साथ कोई पब्लिक को रेलवे ट्रैवलर्स किसी को नुकसान नहीं करने के लिए। टोटल कितना फोर्स है सर? 250 मेंबर्स। ओके थैंक यू।